कोई ना तो वो सरकार चाहिए कि जो रोजगार दे, जो महंगाई कम करे। अब हमें ऐसी सरकार चाहिए जो हमारी समस्याएं सुने, हमारी बात को सुने समझे। हमारी जो क्षेत्रीय पार्टी है उत्तराखंड क्रांति दल, वो आए। 2022 के चुनाव में किसकी सरकार देखना पसंद करेंगे आप? केजरीवाल। 2022 में सरकार जी कांग्रेस की आनी चाहिए वैसे मेरे हिसाब से। तो किसी भी पार्टी को देकर खराब करने वाली बात है। वोट बेरोजगारी थी, बेरोजगार बस्ती थी, डॉक्टर्स की कभी डॉक्टर्स ना बेचारे सड़कों बैठे हैं। 2022 में कांग्रेस और बीजेपी से थक गए, अब नहीं देखेंगे कोई। कांग्रेस को पुरानी पार्टी है, उनको एक्सपीरियंस है देश को चलाने का। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ छाटियन उत्तराखंड। न्यूज़ छाटियन उत्तराखंड की जो टीम है आज पहुंच चुकी है राजधानी देहरादून में, जहां पर हम जानेंगे आखिर 2022 के चुनावों को लेकर क्या है जनता का मूड। आइए तो देखते हैं क्या कुछ कहना है जनता का 2022 के चुनावों को लेकर। 2022 के चुनाव आने वाले हैं तो क्या कुछ कहेंगे, किसकी सरकार देखना चाहते हैं 2022 के चुनावों में? आप कुछ कह नहीं सकते, मगर मेरी तो दिली इच्छा है कि हमारी जो क्षेत्रीय पार्टी है उत्तराखंड क्रांति दल, वो आए। वर्तमान सरकार भाजपा की है अभी, तो उसे क्यों नहीं लाना चाहते? इसमें क्या कुछ खामियां है, क्या कुछ अच्छे काम लगे आपको उसके? ये सरकार चेंज हुई है, मगर यह है युवा आज सड़कों पर बैठा है, परेशान है, तो इससे ये चाहता है कुछ बदलाव चाहते हैं हम लोग। और मैं तो चाहता हूँ कि क्षेत्रीय पार्टी आए उत्तराखंड क्रांति दल। 2022 के चुनाव में किसकी सरकार देखना चाहते हैं आप? सर, सरकार ऐसी आनी चाहिए जो जनता की समस्याएं सुने। बीजेपी सरकार तो हमको अपने घर के अंदर से लेके और नाली पे बैठाने के लिए मजबूर कर दिया है। कांग्रेस की सरकार में भी यही हाल था। अब हमें ऐसी सरकार चाहिए जो हमारी समस्याएं सुने, हमारी बात को सुने समझे, ऐसे नहीं सिर्फ आश्वासन दे हमको। सारे युवा आज की डेट में रोड पे खड़े हैं, इसलिए खड़े हैं क्योंकि सरकार ने कुछ किया नहीं है। अब हम नया विकल्प ढूंढेंगे, अब वो विकल्प देखते हैं कौन सरकार बनाता है, वो तो अभी हम कह नहीं सकते, लेकिन युवाओं का पूरा साथ रहेगा। बीजेपी और कांग्रेस से सारे युवा थक चुके हैं। ऐसी सरकार चाहिए जो हमारी समस्याएं सुने और सिर्फ सुने नहीं, उनके ऊपर काम भी करे। आम आदमी पार्टी के बारे में क्या कुछ ख्याल है आपका? बिल्कुल, आम आदमी पार्टी को मैं तो अपनी तरफ से, मेरी पर्सनल राय है, मैं सपोर्ट करना चाहता हूँ आम आदमी पार्टी को। अच्छी पार्टी है और हम देखना चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी क्या करती है युवाओं के लिए। 2022 के चुनाव में किसकी सरकार देखना पसंद करेंगे आप? केजरीवाल की। केजरीवाल की क्या कुछ खास कार्य लगे केजरीवाल के आपको? जी, केजरीवाल की अच्छा काम कर रहे हैं, इलाज भी फ्री है, बिजली पानी लाइट का बिल, सड़कें और भी काम है इनके, पढ़ाई के लिए। भाजपा कांग्रेस क्यों नहीं? ये तो सर इसमें बहुत लूट मार है, लॉ एंड ऑर्डर सही नहीं है सर, इसमें क्राइम बहुत बढ़ रहे हैं। और कौन है भाजपा सरकार है उससे क्यों बेरुखी निभा रहे हैं आप? इस सरकार में सर मेरे साथ भी एक घटना हो गई है, इसलिए सही नहीं लग रही मुझे, इससे पहले सही था। आम आदमी पार्टी सपोर्ट देने, पूरा आम आदमी को पूरी सपोर्ट करेंगे। 2022 में सरकार जी कांग्रेस की आनी चाहिए वैसे मेरे हिसाब से। वर्तमान भाजपा की सरकार उससे खुश नहीं है क्या? उससे कुछ नहीं हूँ। क्यों? उन्होंने कुछ भी नहीं करा, क्यों? हर आदमी रोड पर बैठा हुआ, हर आदमी परेशान है उससे, इस सरकार से, इसलिए कांग्रेस की सरकार आनी ज़्यादा बेटर। दिल्ली के केजरीवाल सरकार ने दिल्ली के लिए तो ज़्यादा बेटर करा, पर उत्तराखंड के लिए वो आ जाएं तो उससे ज़्यादा और क्या बेटर मानता हूँ मैं। अब देखो मोदी जी कितना अच्छा सौगात दे के चले गए, आगे फ्लाईओवर बनेंगे, हर चीज़ बन रही है, बट जो हमारा उत्तराखंड है और तरक्की पर जाएगा। हमें बस थोड़ा सा अपने मुख्यमंत्रियों का साथ चाहिए और नेताओं का साथ चाहिए, जो काम को आगे करते रहे, उन्नति करते रहे, पीछे ना रहे किसी चीज़ से भी, जो भी हो सके हमारे उत्तराखंड के लिए वो अच्छे से अच्छा करते रहे। तो हमेशा अपना बीजेपी के साथ ही देंगे और चाहेंगे कि बीजेपी की सरकार आए। अच्छा, आम आदमी पार्टी क्यों नहीं? आम आदमी पार्टी बीजेपी दे रही है, पानी फ्री दे रही है। वो दे रही है, लेकिन उस चक्कर अभी आम आदमी पार्टी के यहाँ की चांस इसलिए नहीं है कि केजरीवाल जी आनी है। केजरीवाल जी की बात और है, बाकी की बात और है। जैसे हमारे, मैंने कहने का मतलब है, जैसे हमारे मोदी जी है उनकी बात और है, बाकी बात और है। हम भी चाहें कि मोदी जी के नक्शे पे सब चले। इस समय जो बीजेपी सरकार ने महंगाई इतनी कर दी है कि लोगों को जीना मुश्किल हो गया है, हर चीज़ के रेट बढ़ गए हैं, पेट्रोल डीजल गैस और सब्जियां, टमाटर 80 रुपये किलो हो गए हैं, लोग किस तरीके से अपना गुजारा चला रहे हैं, गैस 1000 रुपये की हो गई है। तो इस समय जो है कोई भी व्यक्ति, मैं नहीं, जिससे मर्जी आप पूछ लो, वो ही चाहेगा कि मैं बदलाव चाहें। कोई ना तो वो सरकार चाहिए कि जो रोजगार दे, जो महंगाई कम करे, और तभी हमारे लोगों के बच्चों का पालन पोषण होगा, वरना इस तरीके से तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। हम चाहते हैं कि इस बार बदलाव हो, कांग्रेस सरकार को लाया जाए, बीजेपी को उखाड़ फेंक दिया जाए। अच्छा, आम दे रही है, पानी फ्री दे रही है, यात्राएं करा रही है यहाँ पर, कांग्रेस से क्यों? नहीं, ऐसा है ना, वो तो लॉलीपॉप देते हैं, वो हमें बिजली फ्री नहीं चाहिए। हमारे को तो वो चाहिए कि जो महंगाई कम करे, हमारे को रोजगार दे। वो तो टाइम ही बताएगा कि किसकी सरकार आती है। देखो अभी कहना तो कुछ भी बेकार है, देखो अभी किसकी सरकार आती है वही देखा जाएगा। नहीं, ये भी बताना गलत है। क्यों?
वो तो दिल में होता है, जैसे भी देंगे दे देंगे अपना। फिर भी एक चाह होती है कि मैं आम आदमी की तरफ जाऊं, कांग्रेस की तरफ जाऊं, बीजेपी की तरफ जाऊं। ये कोई वो नहीं, जो पार्टी आने वाली है उसी को वोट दिया जाएगा। जो पार्टी को वोट देंगे आप, दिया जाएगा उसी को, जो जीतेगा उसी को वोट देंगे आप, वोट दिया जाएगा। ये तो ना कि वो किसी भी पार्टी को देकर खराब करने वाली बात है वोट। तो आप भाई के चुनाव की किस सरकार देखना पसंद करेंगे आप? हम तो भाई ऐसी सरकार, नई सरकार है। तो आप भाई के चुनावों में किस सरकार देखना पसंद करेंगे? हम तो एक चीज आएंगे, आप देखो कहते हैं साज को आज क्या, आप दिल्ली में जाके देखिए दिल्ली में कितना विकास हुआ, दिल्ली में किस तरीके का, उनको पता है मूलभूत समस्याओं पर जो सरकार काम करेगी हम उसके साथ। और मूलभूत समस्याएं क्या होती हैं, आज सड़कों बैठे हैं, कल लोग धरने बैठे, उनकी झुग्गी उपड़वा दी सरकार। प्रधानमंत्री जी आए, उन्होंने बाहर से लोग बुलाए, जब वो गढ़वाली भाषा में उन्होंने सोचा गढ़वाली लोग होंगे, गढ़वाली बोले तो वहाँ से वापसी होने लगे। तो ये सब ये झूठ की पुलंदों की सरकार, झूठ की सरकार थोड़े दिन चलेगी और हम भी उसमें हम परेशान हैं। आज सारा डिपार्टमेंट उनको कहते हैं हमने क्या दिया, उन्हें उत्तराखंड के लिए दिया मैं मानता हूँ, तीन मुख्यमंत्री दिए उत्तराखंड में, और क्या दिया उन्होंने, बेरोजगारी दी, बेरोजगार बस्ती दी, डॉक्टर्स की कमी, डॉक्टर्स ना बेचारे सड़कों में बैठे हैं, पीआरडी वाले सड़कों में बैठे हैं, सुबह आपके क्या नाम है ये परिवहन निगम वाले सड़कों में, स्वास्थ्य विभाग सड़कों में बैठा है, स्वरोजगार सड़कों में बैठा है, बताइए उन्होंने किसको क्या दिया, पीडब्ल्यूडी वाले सड़कों में बैठे हैं। तो ये इस सरकार को लोगों ने देख लिया है, अब की बार 2022 में ऐसा बदलाव आएगा। और मैं सब भाइयों से कहता हूँ, आप एक कुत्ते को वोट दे देना लेकिन इस बीजेपी पार्टी को वोट मत देना, इन्होंने सिर्फ हिंदू और मुस्लिम और जातिवाद धर्म की और ये सब फालतू की बातों की राजनीति की, और ये धर्म के भी नहीं है, अगर धर्म के होते तो जो हमारा मंदिर, जो हमारे देवस्थान बोर्ड था उसको इन्होंने देवस्थान बोर्ड बनाया और बाहर के लोगों को ला के खड़ा किया, ये इनकी नज़र मंदिरों पर भी है। ये हमारे देश उत्तराखंड के लिए कुछ नहीं कर सकते हैं, ये चाहते हैं कि मंदिरों का भी पैसा वो भी हमारे पास में आ जाए, लेकिन ब्राह्मण समाज एकत्रित हुआ और उन्होंने इनको दिखा दिया, इनको वापसी लेना पड़ा फैसला। 2022 के चुनाव में किसकी पार्टी सरकार देखना चाहते हैं 2022 के चुनाव में आप? 2022 में कांग्रेस और बीजेपी से थक गए, अब नहीं देखेंगे कोई। क्या कुछ मुद्दे होने चाहिए 2022 के चुनाव में? 2022 के चुनाव में मुद्दे तो यही है, जो रोजगार देगा उसके साथ खड़े। बीजेपी ने तो बेरोजगार कर दिए, कांग्रेस ने पहले कर दिए थे, बीजेपी ने अब कर दिए। 2022 में किसकी सरकार देखना चाहते हैं आप? सर सरकार तो हम उसी की देखना चाहते हैं जो एक आम आदमी की बात सुने और उनके जो समस्याएं मूलभूत समस्याएं उन्हें सॉल्व करे, चाहे किसी की भी सरकार आए, हमें मतलब नहीं है कांग्रेस आए या बीजेपी आए, कोई भी पार्टी आए, अगर जो एक आदमी आम आदमी की जो मूलभूत सुविधाएं होती है, जैसे रोजगार हो गया, सबसे बड़ी समस्या उत्तराखंड में यही रही आजकल के, आज के टाइम पे आपको पता होगा कि रोजगार की समस्या इतनी बड़ी समस्या हो चुकी है ना, कि क्या बता, आपने देख रहा होगा कि धरने पे इतने लोग बैठे हैं, इतने बेरोजगार लोग बैठे हैं कि क्या बताएं। और जो स्वास्थ्य सेवाएं हो गई हमारी, बेरोजगारी हो गई, महंगाई हो गई, ये तीन समस्या जो हल कर देगा उसी के, अब वादे नहीं चाहिए, वादे तो हर सरकार करती है, अब वो सरकार चाहिए जो असल में जमीन स्तर पर ये काम करे। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे पूछ जानते हैं कि क्या कुछ उनका मूड है 2022 के चुनावों को लेकर। 2022 के चुनावों की सरकार देखते हैं बाबा? देखिए 2022 में जो है कांग्रेस अपनी सरकार बनाएगी, ये मैं आपको बता दूं, क्योंकि भाजपा ने पिछले 5 साल के कार्यकाल जो उनका ख़त्म होने वाला है इसमें 3-3 मुख्यमंत्री बदल के ये विफलता अपनी जाहिर कर दी है कि हमने कुछ नहीं करा है। ना तो इन्होंने कोरोना जैसी महामारी में कुछ करा, कुछ करने से मतलब ये नहीं होता है सिर्फ कि घोषणाएं करते जाओ, धरातल पर कोई भी कार्य नहीं किया गया। कोरोना के टाइम पर ना तो ऑक्सीजन सही से मिल पाया, ना दवाइयाँ सही से मिल पाई, और ना ये शिक्षित करने में प्रदेश को आगे बढ़ा पाए, ना रोजगार दे पाए, सिर्फ घोषणाएं हुई हैं। इसलिए अब जो है प्रदेश की जनता भी समझ गई है और उसे जो है फेरबदल चाहिए, इसलिए 2022 में कांग्रेस दोबारा से सरकार बनाएगी और भाजपा को हटना ही पड़ेगा अपनी गद्दी। अच्छा, आम आदमी पार्टी का क्या कुछ ख्याल है? 3 मुख्यमंत्री 3 दौरे कर चुके हैं यहाँ पर दिल्ली के, इतनी सारी सौगातें यहाँ पर दे चुके हैं कि सत्ता में आएंगे तो ये करेंगे, सत्ता में आएंगे तो वो करेंगे, उस पर क्या कुछ कहेंगे? देखिए आज तक कांग्रेस ने सरकार बनाई, बीजेपी ने सरकार बनाई, लेकिन आम आदमी पार्टी का जो सरकार बनाने का तरीका मेरे को समझ में तो आया नहीं। और दूसरा मैं आपको बता दूं कि हमारी प्रदेश की जनता को फ्री में कुछ भी नहीं चाहिए होता, ये जब भी कहीं पे घोषणाएं करने जाते हैं आम आदमी पार्टी वाले, ये पहली चीज़ इनका पहला जुमला होता है जी बिजली की यूनिट फ्री देंगे। एक बात बताइए, क्या आम आदमी पार्टी अगर सरकार बनाएगी हमें बिजली फ्री देगी? इससे पहले जो हमारा प्रदेश जब बना था 2000 में, क्या तब से हम बिजली के बिल नहीं दे रहे हैं? प्रदेश की जनता को मुफ्त में कुछ नहीं चाहिए, प्रदेश की जनता चाहती है कि जो भी गद्दी पे बैठे वो प्रदेश की जनता का ख्याल रखे, ना कि मुफ्त में कुछ भी बांटता रहे। हम भी कांग्रेस को ही जो है चाहते हैं कि कांग्रेस की ही सरकार है, क्योंकि भाजपा की सरकार में आपने देखा ही है कि महंगाई कितनी बढ़ गई है, सिलेंडर भी बहुत महंगा हो गया है, किचन वगैरह में देखो आप जितनी भी लेडीज़ हैं वो बहुत परेशान हैं, क्योंकि किचन का जितना भी सामान है वो सारा का सारा ही बहुत महंगा हो गया है, तो उनको जो उनके जो कमाई है वो उस कमाई तो घट गई है लोगों की,
और किचन के खर्चे बढ़ गए हैं। मतलब आपकी सरकार देखना चाहेंगे 2022 के चुनावों में? मोदी सरकार, योगी सरकार। आप? कांग्रेस, डेफिनेटली कांग्रेस। क्योंकि कांग्रेस ही क्यों देखना चाहते हैं आप? सर मोदी सरकार के आप ये देख लीजिए, पिछले जो यहाँ पे हमारी सरकार रही है बीजेपी की, 5 सालों में क्या किया सिवाय महंगाई बढ़ने के? और क्या हुआ? कोरोना काल में पूरी तरह विफल रही है, बेड नहीं दे पाई है, ऑक्सीजन के सिलेंडर नहीं मुहैया करा पाई है, महंगाई अपने चरम पर है हर तरीके से, व्यापारी त्रासता है, इस टाइम बाजार में काम नहीं है, तो हर तरीके हर जगह सिर्फ जुमले ही हुए हैं और काम ग्राउंड पे कुछ नहीं है, सिर्फ वादे हुए हैं। वायदों पे सर नहीं चल सकता सर। कांग्रेस को पुरानी पार्टी है, उनको एक्सपीरियंस है देश को चलाने का, ये लोग केवल जुमलेबाजी करते हैं, अपनी बातें अपने इलेक्शन के टाइम पे करते हैं। अभी आपने देखा किसानों के साथ पिछले 8-10 महीने सड़कों पे बैठे रहे, तो इन्होंने कुछ नहीं किया। अब इलेक्शन आने वाला है तो अब वो कानून अपने ही बनाए हुए कानून वापस लिए हैं इन्होंने, और कुछ भी नहीं हुआ है, कोई भी खास विकास नहीं हुआ है यहाँ पे। तो मेरे हिसाब से कांग्रेस आनी चाहिए, कांग्रेस ही इस टाइम की ज़रूरत है। आम आदमी पार्टी क्यों नहीं? सर आम आदमी पार्टी का यहाँ भी कोई बहुत बड़ा वो नहीं है, और दिल्ली में भी बहुत ज़्यादा उनका कोई ये मुफ्त के फ्री भी के चक्कर में लोग वोट देंगे और उससे कोई लाभ नहीं होने वाला है सर। हमारी टैक्स से हमारे कोई मुफ्त में सामान बिजली देना, ये कोई हमारी जेब से पैसा जाएगा, वो शासन के लायक नहीं है। कांग्रेस पुरानी पार्टी है और उसको राज पता है कैसे करना है, कैसे विकास के काम करने हैं। मेरे ख्याल से कांग्रेस ही ज्यादा बेहतर ऑप्शन है। उत्तराखंड से जुड़ी तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।